तो दोस्तों, कैंडिडेट चॉइस फिलिंग हमें कैसे करना है, सीट अलॉटमेंट रिजल्ट कैसे देखना है, आपने अपनी स्टेट रैंक अब तक डाउनलोड कर ली होगी, रजिस्ट्रेशन हो चुका है, तो सीट की इन्फो कैसे हम देख सकते हैं, एक एक चीज आज हम आपके सामने इस वीडियो में रखने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, सॉरी काउंसलिंग इज एट टू बी स्टार्टेड, तो यहाँ पर दोस्तों हमें सीट की इन्फो भी मिलेगी। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, जिसमें डीएलएड बीटीसी एडमिशन 2023 काउंसलिंग से संबंधित सभी जानकारी दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा या सरकारी कॉलेज मिलेगा, सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सरकारी का मतलब यहाँ पर होता है DIET, डायरेक्ट कॉलेज से। और दोस्तों, डीएलएड का रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए वेबसाइट भी आपको पता होनी चाहिए, DLEDResult.com, DELED DLEDResult, RESULT.com में COM, ठीक है। इस वेबसाइट के माध्यम से सबसे पहले आपको चॉइस फिलिंग, सीट इन्फो, सब कुछ आपको जानकारी मिलेगी, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों, आपने अपनी स्टेट रैंक को डाउनलोड कर लिया होगा, नहीं किया तो इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। स्टेट रैंक आपके दोस्तों यहाँ पर शो हो रही होगी, देख सकते हैं, कुछ भी आपका हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 19,560 आपका हो सकता है कि 50,000 हो सकता है कि आपका दोस्त पहली रैंक हो, 100वीं रैंक हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है इस वीडियो में, कि देखिए, जब आपने अपनी स्टेट रैंक डाउनलोड किया होगा तो यहाँ पर एक बात लिखी है कि प्रवेश के समय आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लाना आवश्यक है। आवेदन के संबंध में गलत प्रविष्टियों के लिए उम्मीदवार स्वयं जिम्मेदार है, उस मामले में प्राधिकरण को कानूनी कार्रवाई करने और उम्मीदवार के प्रवेश को रद्द करने का पूरा अधिकार है। दोस्तों ये कौन सी प्रिंट की बात कर रहे हैं, देखिए, जब आपने ऑनलाइन आवेदन किया होगा तो फाइनल प्रिंट आउट ये दोस्तों आप देख सकते हैं, इसको आपको वहां पर लेकर जाना है, क्योंकि यही पर आप लोग के नंबर शो कर हो रहे होंगे, ठीक है। आपके टोटल हाई स्कूल में कितने परसेंट है, इंटर में, ग्रेजुएशन में, ठीक है, यही से दोस्त इसको यहाँ पर देखा जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीजें आप समझिए पहले। और उसके बाद दोस्तों एक बात और आपको बता दें, 52,000 पद हैं 6 से लेकर 8 तक के लिए। जी हाँ दोस्तों, डीएलएड छात्रों के लिए एक और बड़ी वैकेंसी बिहार में देखने को मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती में अक्टूबर से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो रहा है, 52,000 पदों पर वैकेंसी है, सैलरी कितनी रहेगी, 45,000 से स्टार्टिंग है, 45,000 प्लस सैलरी रहेगी। एक बात और आपको बता दें, बीएड वाले नहीं बनेंगे प्राथमिक शिक्षक। बहुत से बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं कि सर डीएलएड करें या बीएड करें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, कि आपको क्या करना चाहिए, बीएड करना चाहिए कि डीएलएड करना चाहिए, ठीक है, ये क्लियर हो गया। डीएलएड में प्रवेश के लिए काउंसलिंग 15 तारीख से, ठीक है। अभी आपने स्टेट रैंक डाउनलोड कर ली होगी, काफी बच्चे कह रहे सर अभी पेमेंट करना कि कब करना है, परेशान मत होइए, 15 तारीख से आपकी काउंसलिंग शुरू हो रही है। 5 लाख से अधिक ने किया है आवेदन, परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने जारी किया है स्टेट रैंक, 3,36,572 छात्रों ने आवेदन किया है, वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है मेरिट, ₹5,000 होंगे काउंसलिंग शुल्क। जी हाँ दोस्तों, काउंसलिंग करने के लिए, चॉइस फिलिंग करने के लिए आपको ₹5,000 की पेमेंट करनी पड़ेगी, अगर आप नहीं करेंगे तो आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। देखिए दोस्तों, जो लास्ट टाइम इससे पहले हमारी जो स्टेट रैंक जारी होती थी, वहां पर दो तरह की रैंक आती थी, एक दोस्तों जनरल कैटेगरी की रैंक जो यहाँ पर अभी आपके सामने शो हो रही है, जनरल रैंक है, और आपके दोस्तों दूसरी रैंक होती है कैटेगरी रैंक। जैसे मान लेते हैं जनरल में रैंक आपके कुछ भी बन रहे हैं, उसके बाद जैसे आप ओबीसी के हैं तो उसकी रैंक अलग बनती है। आपको एक बात और पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में टोटल 10,600 सीटें हैं सरकारी कॉलेज के लिए, ठीक है ना, 10,600 बच्चों का ही सरकारी कॉलेज में एडमिशन होगा, लेकिन इसमें दोस्तों बहुत सी ऐसी सीटें होती है जैसे ST कैटेगरी, फिजिकल हैंडीकैप, एक्स सर्विसमैन, फ्रीडम फाइटर डिपेंडेंट, ये 200 सीटें बहुत बार नहीं भरती हैं कॉलेज में, तो यहाँ पर कम मेरिट वाले छात्रों का भी भैया एडमिशन हो जाता है, ठीक है ना। तो आपको हर एक चीज आज हम इस वीडियो में बताएंगे, अगर आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे तभी आपको फायदा मिलेगा। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना भी देखिए आप भूल जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक तो बिल्कुल ही नहीं करते आप लोग, ठीक है। वीडियो पर 200-100 लाइक आता है तो मतलब 100 व्यू आता है तो 1 से 2 लाइक मिलता है, ठीक है ना, तो लाइक करिएगा। तो चलिए, आपके जो भी सारे डाउट्स हैं उसको हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। पहले आप लोग के कमेंट्स हम देखते हैं, क्या कमेंट किया है। देखिए एक बच्चे का कमेंट आया अभी लेटेस्ट में कि सर जी 2,34,919 हमार हुई कि नहीं, तो चलिए आपका एडमिशन तो देखिए हो जाएगा। रैंक के दोस्तों मैटर नहीं करता एडमिशन में, एक बात आज आपको बता दें, अगर आपकी रैंक 3 लाख भी है तो भी आपको एडमिशन मिल सकता है। देखिए एक बात आज समझ लीजिए पहले इस वीडियो में, ठीक है ना। तो दोस्तों आपके पास हजारों विकल्प हैं, हजारों कॉलेज के नाम आप दे सकते हैं, ठीक है। जब आप लोग की काउंसलिंग शुरू होगी तो मान लेते हैं आपके जिले में 50 प्राइवेट कॉलेज हैं, ठीक है, तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं 5 से 10 प्राइवेट कॉलेज का नाम डालते हैं, बहुत से बच्चे 50 के 50 प्राइवेट कॉलेज के नाम डालेंगे, कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो पूरे उत्तर प्रदेश के सभी ऑल कॉलेज का नाम डालते हैं, भैया कोई कॉलेज नहीं छोड़ने वाले, तो हर तरह के बच्चे यहाँ पर होते हैं,
ठीक है। और हर एक प्राइवेट कॉलेज में ईडब्ल्यू के लिए सीटें आरक्षित हैं, ओबीसी के लिए आरक्षित हैं, एससी कैटेगरी के लिए, एसटी कैटेगरी के लिए, फिजिकल हैंडीकैप, एक्स सर्विसमैन, फ्रीडम फाइटर, डिपेंडेंट, सभी के लिए सीटें आरक्षित हैं। कहने का मतलब ये कि ओबीसी सीटें आरक्षित है, अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं, आपकी रैंक 3 लाख है और उस कॉलेज में किसी और ओबीसी कैंडिडेट ने मतलब चॉइस फिल नहीं किया, लॉक नहीं किया, ठीक है, तो आपको 3 लाख रैंक पर भी उस कॉलेज को मिल जाएगा, प्राइवेट कॉलेज, तो कोई दिक्कत नहीं। बहुत से बच्चे पूछते हैं सर हमें डायरेक्ट एडमिशन लेना सही रहेगा कि क्या लेना। देखिए अभी यहाँ पर ना फीस रिफंड वाली बात यहाँ पर सामने नहीं आ रही, जरा देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि बीएड की तर्ज पर काउंसलिंग में बदलाव किया गया। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने बीएड की तरह डीएलएड में प्रवेश की काउंसलिंग में बदलाव किया है। अभ्यर्थी को 15 सितंबर से शुरू हो रही काउंसलिंग में पहले 5000 रुपये जमा करना होगा विकल्प भरने के लिए। बाद में कॉलेज आवंटन होने पर संबंधित कॉलेज का अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के लिए भी 5000 रुपये शुल्क देना पड़ेगा। एक बार कॉलेज आवंटन होने के बाद अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड न करने पर 5000 शुल्क की वापसी नहीं होगी। पिछले साल तक 10000 प्रशिक्षण शुल्क सीधे कॉलेज में जमा करना होता था। इसके चलते तमाम अभ्यर्थी कॉलेज आवंटन तो करा लेते थे लेकिन प्रवेश नहीं लेते थे, तो सीट खाली रह जाती थी। तो भैया देखिए पीएनपी भी थोड़ा सा होशियारी कर रही है ताकि जो बच्चे यहाँ पर आए वो एडमिशन लेकर ही जाएं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख लीजिए साफ साफ लिखा है प्रदेश के 67 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डायड व सीटीई के 10600 और 2974 निजी कॉलेजों की 2,22,750 कुल मतलब 2,33,350 सीटों पर प्रवेश के लिए पहले चरण की काउंसलिंग 6 अक्टूबर तक चलेगी। 6 अक्टूबर तक दोस्तों इसका प्रोसेस चलेगा। प्रवेश के बाद अभ्यर्थियों की सूचना 17 अक्टूबर तक अपलोड की जाएगी। दूसरे चरण की काउंसलिंग 26 अक्टूबर से 10 नवंबर। जी हाँ दोस्तों मतलब बहुत ही लंबा प्रोसेस यहाँ पर चलेगा, ठीक है। और 20 नवंबर तक अभ्यर्थियों को सूचना दी जाएगी, 21 नवंबर से क्लासेस शुरू होंगी। जी हाँ दोस्तों 21 NOVEMBER 21 नवंबर से दोस्तों आप लोग की पहली क्लास शुरू हो जाएगी, ठीक है। जब आप लोग एडमिशन लेंगे तो मतलब मान के चलिए जो आप लोग का फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम होगा 2023 बैच का वो जाएगा 2024 में, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं, बीएड में भी अभी एडमिशन का प्रोसेस चल ही रहा है तो अब सारा काम समय से होगा, ठीक है। तो चलिए आप लोग के कमेंट और देखते हैं, एक कमेंट तो देख लिया हमने। अब देखिए सर मेरा रैंक 1,40,000 है, एससी से मुझे डायट कॉलेज मिल सकता है। देखिए होता क्या है ना, हर एक डायट कॉलेज की कट ऑफ अलग अलग जानी है। एक बात आप याद रखिएगा दोस्तों इस वीडियो में, नहीं तो फिर बाद में कहेंगे सर आपने बताया नहीं, ठीक है। अब देखिए जैसे लखनऊ डायट कॉलेज का मान लेते जनरल में कट ऑफ चला जाता है 240 नंबर, ईडब्ल्यूएस में चला जाता है 235 नंबर, मान रहे हैं ये माना गया है, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि कंफर्म यही है। मान लेते हैं ओबीसी कैटेगरी में चला जाता है 238 नंबर, एससी कैटेगरी में चला जाता है 230 नंबर, एसटी में चला जाता है 200 नंबर और बाकी अन्य कैटेगरी में। तो इसके बाद दोस्तों जो हमारा प्रयागराज का डायट कॉलेज होगा प्रयागराज, तो यहाँ पर जनरल में 241 भी जा सकता है, ऐसा नहीं कि वहां पर भी 240 जाएगा। हो सकता है कि वहां पर ईडब्ल्यूएस में हो सकता है 230 ही जाए, लखनऊ में तो ज्यादा गया था, ओबीसी में हो सकता है यहाँ पर 230 ही जाए, ठीक है ना। तो हर एक डायट कॉलेज का, हर एक प्राइवेट कॉलेज का कट ऑफ अलग अलग होता है, कहीं पर सेम कट ऑफ नहीं होगा, पूरे उत्तर प्रदेश में हर एक कॉलेज की कट ऑफ अलग अलग जाती है, ठीक है ना। काउंसलिंग में कितने कॉलेज का नाम दे सकते हैं, अनलिमिटेड, कितने भी दोस्तों मन करे तो आपको पूरे उत्तर प्रदेश के सारे कॉलेज का नाम दे दीजिए, कोई यहाँ पर रोक नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है, ठीक है ना। चलिए अगला कमेंट देखते हैं। सर एससी कैटेगरी से हूँ, मेरी स्टेट रैंक 45,000 है, मुझे डायट मिल सकता है। देखिए आप लोग डायट कॉलेज डालिएगा, मिलता है तो बेहतर है। देखिए जिन बच्चों की रैंक काफी अच्छी है, देखिए हम आपको बता रहे हैं जिन बच्चों की रैंक मान के चलिए 30,000 के अंदर आ रही है, ठीक है। अब ये क्लियर नहीं कि किसमें हो सकती है। देखिए सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर दोस्तों स्टेट रैंक जारी की गई, कैटेगरी रैंक इनको देना चाहिए था। अब देखिए जो 10,600 टोटल सीटें आपको दिख रही हैं, इसमें से मान के चलिए 1,000 जो सीटें होंगी वो ईडब्ल्यूएस के लिए होंगी। अब मान लेते किसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चे की रैंक आ रही है 40,000, अब उसको ये क्या पता है कि उसकी जनरल रैंक 40,000 है, हो सकता है कि उसकी ईडब्ल्यूएस में मात्र रैंक 500 है, उसको भी सरकारी कॉलेज मिल सकता है। वैसे दोस्तों जैसे यहाँ एक बच्चे ने कमेंट किया कि सर मेरी एससी कैटेगरी में रैंक 45,000 है, कॉलेज मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है। चलिए आप लोग के कमेंट को पहले दिल से लाइक होना चाहिए। सर मैं सीतापुर से हूँ, रैंक 1,37,000 है, कैटेगरी एससी ये गवर्नमेंट मिल जाएगा, बहुत ही मुश्किल है 1 लाख के ऊपर देखे सरकारी कॉलेज मिलना मुश्किल है। हाँ एससी कैटेगरी में नहीं, एसटी में, फिजिकल हैंडीकैप, फ्रीडम फाइटर, एक्स सर्विसमैन में पॉसिबल है। तो देखिए लॉगिन नहीं हो रहा तो एक बार उसको नए पेज में लॉगिन करने की कोशिश करिए, आना चाहिए।
जनरल कैटेगरी से रैंक 22,572 है, सेकंड लिस्ट में डैट मिल सकता है क्या? चलिए आप लोग देखिए कोशिश करिएगा, पहले जनरल कैटेगरी में थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि लगभग 20,000 सीटें तो आरक्षित हैं, अनारक्षित में मतलब आती है। मेरा इनवैलिड जीरो रैंक से हो रहा है, ठीक है, तो इसको आप लॉग इन करके चेक करिए, देखिए क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है ना। आना तो नहीं चाहिए, हो सकता है फॉर्म भरने में तुम्हें कोई गलती तो नहीं हुई, फाइनल जो प्रिंट आउट निकला उसको एक बार देख कर फिर से कोशिश करिए। सर हमारा कॉलेज ना मिलने पर हमारा 5,000 पर रिफंड होगा कि नहीं? देखिए आपको बता दें, कॉलेज नहीं मिलेगा जैसे फर्स्ट राउंड में तो आपको सेकंड राउंड में मौका मिलेगा, ठीक है ना, ऐसे आपका पैसा डूबेगा नहीं। तो सेकंड राउंड में आप कॉलेज का नाम अनलिमिटेड डाल सकते हैं, तो आप प्राइवेट का भी नाम डालेंगे, सरकारी का भी, कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा। देखिए रिफंड वाली पॉलिसी जैसे आती है वो अपडेट करेंगे, ठीक है ना, अभी ये क्लियर नहीं है। भैया 3,580 रैंक है, सरकारी कॉलेज कैसे मिलेगा? बिल्कुल आपको देखिए सरकारी कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है ना, बस सिंपल सी बात है, 15 तारीख से चॉइस फिलिंग शुरू होगा, उसके बाद आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा। 64,000 रैंक ओबीसी में, डैट देखिए आपके लिए मुश्किल है, ठीक है ना, बाकी और जो बच्चे कमेंट करेंगे सब कुछ देखेंगे। उसके बाद शिक्षक भर्ती से संबंधित बीपीएससी में यहाँ से अपडेट हम लोग देख रहे थे ट्विटर के माध्यम से। चलिए फिलहाल अभी हम लोग आते हैं फिर से वीडियो में। तो देखिए एक बार इस वीडियो में ध्यान रखना है कि जो डायरेक्ट एडमिशन का प्रोसेस है वो जब फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड की काउंसलिंग समाप्त होगी उसके बाद डायरेक्ट एडमिशन का प्रोसेस होता है, ठीक है। अगर आप लोग से दोस्तों जो देखिए इसीलिए यहाँ पर देखिए मांगा गया है आवेदन पत्र का प्रिंटआउट क्यों मांगा जा रहा है कि बहुत से बच्चे होंगे जो जिन्होंने भैया हाई स्कूल में गलत नंबर डाल दिया, 12वीं में गलत नंबर डाल दिया, ग्रेजुएशन में गलत, तो उन बच्चों का फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है ना, तो इन सभी बातों को भी ध्यान में रखना है। तो यहाँ बिल्कुल भी देखिए डीएलएडमिट धांधली नहीं हो पाती, याद रखिएगा, ठीक है। बाकी डायरेक्ट एडमिशन में बाद में अगर आप कोई गलती की तो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कुछ और भी अपडेट आएगी तो अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। आप लोग हमारा व्हाट्सएप नंबर सेव कर सकते हैं 8738079216 8738079216। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में हम एक लिंक देंगे जहां से टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, 2023 बैच के लिए बनाया जा रहा है, अभी मुश्किल से 10 बच्चे भी हुए हो रहे होंगे, ठीक है। जल्द से जल्द दोस्तों हमारा नंबर 10 से 100 पहुंचेगा, 100 से 1,000 और धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। चलिए फिलहाल काउंसलिंग 15 तारीख से या 13 तारीख है, 15 तारीख को दोस्तों शुरू करेंगे काउंसलिंग का प्रोसेस। कैसे करना वो सब कुछ हम आपको बताएंगे, 5,000 की एडवांस पेमेंट आपको करनी पड़ेगी अगर आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड भाई दोस्तों आपके हाई स्कूल का रिजल्ट प्रमाण पत्र, 12वीं रिजल्ट प्रमाण पत्र और ग्रेजुएशन में रिजल्ट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट, उसके बाद निवास जाति और अलॉटमेंट लेटर जो भी आएगा। जब आप 5,000 पेमेंट करेंगे ना कोई कॉलेज मिल जाएगा, उसको लॉक करने के लिए 5,000 की और पेमेंट करना पड़ेगा, टोटल 210,000 की पेमेंट करनी पड़ती है आपको, ठीक है। तो 10,000 की पेमेंट कर देंगे तो सरकारी कॉलेज की फीस कितनी होती है, 10,200, तो बाद में आपको कितना फीस देना पड़ेगा, मात्र 241,000 प्राइवेट कॉलेज की फीस है, मात्र बाद में आपको 31,000 पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, ये सब बातें आपको जानना जरूरी है। 3,36,000 बच्चों ने आवेदन किया था, 2,33,000 सीटें हैं, लगभग 1,00,000 बच्चे सीट नहीं पाएंगे। देखिए हर एक जिले की कट ऑफ और ये सब चीजें अलग अलग जाती है, इसलिए परेशान मत होइए, ठीक है ना। हो सकता है कि आपके जिले में ज्यादा बच्चों ने आवेदन ही ना किया और डीएलएड करने के लिए अधिकांश बच्चे दूसरे जिले में नहीं जाते क्योंकि फिर बहुत महंगा पड़ने लगता है। प्राइवेट कॉलेज के लिए तो जा सकते हैं लेकिन टीचिंग का भी मैनेज कर लीजिएगा कैसे होगा। देखिए एक बात, एक काम करिए, आज 13 तारीख है ना, 15 तारीख से काउंसलिंग शुरू होगी, तो मतलब अभी आपके पास आज का दिन बचा होगा, कल का दिन है, 2 दिन दोस्तों आप घर से निकलिए, प्राइवेट कॉलेज का पता कर लीजिए कि कौन कौन से प्राइवेट कॉलेज है। अगर आपको लगता है कि सरकारी कॉलेज नहीं मिल रहा है, 1,00,000 से जिसकी रैंक ऊपर है भैया उनको तो सरकारी कॉलेज मिलना बहुत ही मुश्किल है। हाँ अगर कैटेगरी ST है, फिजिकल हैंडीकैप, एक्स सर्विसमैन, फ्रीडम फाइटर, इनमें तो मिल सकता है, बाकी अन्य कैटेगरी में बहुत मुश्किल है। तो आप लोग प्राइवेट कॉलेज का पता कर लीजिए कहाँ पर आपको एडमिशन लेना है, ठीक है ना। उसके बाद पहले देखिए एडमिशन लेने से पहले क्या क्या आपको पता करना है। पहली बात दोस्तों आप कॉलेज जाएंगे तो ये पूछेंगे, सर क्या आपके यहाँ क्लास ना करने का, मतलब रेगुलर क्लास ना करने का कोई पैसा चार्ज तो नहीं होता है? कहीं कहीं कहते भैया फाइन चाहिए हमको, फाइन के रूप में 5,000 रुपये पर सेमेस्टर, ठीक है, आपको 1 भी रुपया नहीं देना है, ये पता करेंगे। सेकंड चीज कि अगर आप दूसरे जिले में जा रहे हैं डीएलएड करने तो क्या वहाँ के सर लोग आपको टीचिंग मैनेज करेंगे, मतलब आप लोग टीचिंग करना पड़ता है प्राइमरी स्कूल में जाकर 1 महीने की। मान लेते आप लोग के घर से 100 किलोमीटर दूर कॉलेज है तो टीचिंग करने कैसे जाएंगे, तो 100 नंबर का 200 टीचिंग होता, तो वो भी जरूरी होता है, तो कॉलेज वाले बहुत से मैनेज कर देते, तो वो भी आप कन्फर्म कर लीजिएगा। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, एडमिशन से पहले कंफर्म रहता है, सही रहता है। चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, कोई भी दिक्कत होगी तो आप लोग डीएलएड से सारी संबंधित जानकारी हमारी यूट्यूब चैनल पर प्राप्त करेंगे। फिर मिलते हैं।